السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير

तो अशरकू और जिन्होंने शर्क किया वो कहेंगे लव शाह या उन्होंने कहा लव शाह अल्लाह चाहता ना अब नाह मंद मिन, मिन शाह तो हम उसके उसे छोड़कर किसी और चीज़ की इबादत नहीं करते नाह नहीं हम

मशरकों के एक जतबाजी का जिक्र किया है कि वो जब उनसे कहा जाता है ना कि तुम शिरक क्यों करते हो तुम अल्लाह की इबादत करो बुतों को छोड़ दो और ये हराम काम ना करो सीधे रस्ते पर आ जाओ वो कहते हैं कि भी ये क्या हुआ अगर तुम जो कहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है अगर अल्लाह चाहता तो हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करते यानी अल्लाह की चढ़ा से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं याद रखें उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादे और मशीयत को अल्लाह की रजा समझ लिया था अल्लाह के एक सिफत है इरादा यानी मशीयत और दूसरी है रजा मशीयत होता है अल्लाह रब्बुल का काजन इरादा कौनिया जिसे कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह इज़्ज़त की मशीत के तहत हो रहा है यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह कुछ चाहता हो और उसकी चाहत के बग़ैर हो जाए यानी अल्लाह को मजबूर करके या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के ख़िलाफ़ करके कोई ऐसा कर ले ऐसा नहीं हो सकता इसको कहते हैं मशीयत और इसी को कहते हैं इरादा कौनिया कौनिया कदरिया यानी एक तकदीरी इरादा जो इसको अल्लाह ने नसीबे में लिख दिया है उसका ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकता दूसरा होता है रजा रजा मतलब अल्लाह इज़्ज़त की चाहत मर्ज अल्ला ताला की पसंद अल्लाह कुफर को पसंद नहीं करता यानी अल्लाज़ल कुफ़रा अल्लाह कुफर के ऊपर राज़ी नहीं है लेकिन अल्लाह कुफर का इरादा करता है ठीक है यानी अगर वो काफिर कुफ़र करता है तो वो अल्लाह रब्ज़त की मशीयत के तहत होता है यानी अल्लाह के इरादा कदरिया कोनिया कदरिया के बाहर नहीं होता वो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उसको उसके नसीबे में लिख दिया था कि वो ईमान लाएगा लेकिन वो कुफ़र करने लग जाए ऐसा नहीं हो सकता या अल्लाह ने उसके नसीबे में लिखा था कि वो कुफर करेगा लेकिन वो अल्लाह के लिखे हुए के खिलाफ करके ईमान ले ऐसा नहीं हो सकता इसको कहते हैं इरादा ठीक है इरादा और मशीत जो फिसको फजूद जो ईमान और नेकी हो रही है वो अल्लाह की मशीत और इरादा के तहत है लेकिन अल्लाह तर अमल को आ, हर अमल पर राजी नहीं है राज़ी अल्लाह ताला उसी अमल पर है जिसका अल्लाह इज़्ज़त ने सुन्नत के अंदर नबियों के जरिए पेग़ाम पहुंचाया है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए हलाल है ये चीज़ तुम्हारे लिए जायज़ है उसी चीज़ पर अल्लाह ताला राज़ी है ठीक है अब अल्लाह ईमान पर राजी होता है कुफ़र पर राज़ी नहीं होता लेकिन अल्लाह तला ईमान और कुफर दोनों अल्लाह की मशीयत के तहत है ठीक है तो लिहाजा इन्होंने क्या किया था कुफार ने मुशरकिन ने कि वो अल्लाह ताला की मशीत को उन्होंने अल्लाह ताला की मशीत को उन्होंने अल्लाह की ऱा करार दिया कि अगर अल्लाह इज़्ज़त यानी यहाँ लफ और मशीयत के बोले हैं लेकिन मुराद उनकी रजा थी ठीक है इसीलिए उन्होंने ये हट दर्मी बनाई है आज भी कई ऐसे लोग जिनको कहा जाए ना वे नमाज पढ़ लो कहते जब नसीबे में होगी हम पढ़ लेंगे यानी वो सब कुछ उन्होंने अल्लाह रबुल्ज़त के सपुर्द किया है कि अल्लाह ने नसीबे में लिखा हुआ तो अल्लाह ने पढ़ा देनी है वरना तो हम खुद नहीं पढ़ेंगे अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हुम दिया है बेहयाई से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है नेक अमाल करने का तो ये अल्लाह की रज़ा है अल्लाह पसंद करता है कि बंदा मेरा शिरक ना करे अल्लाह पसंद करता है कि मेरा बंदा ईमान ले आए अल्लाह पसंद करता है मेरा बंदा नमाज़ी बने अल्लाह ताला कुफर को पसंद नहीं करता बेनमाजी बनने को पसंद नहीं करता फिसको फजूर को पसंद नहीं करता ठीक है अल्लाह की जो हुब है मोहब्बत है वो उस शख़्स के साथ नहीं है कि जो कुफर करता है शिरक करता है बद करता है अल्लाह की महब्बत उनके साथ है जो सलाह सुलह है और अमल करता है ठीक है तो अल्लाह की मशीयत इरादा ये एक ही चीज़ है और अल्लाह की रजा ये अलग चीज़ है इन्होंने अपने बुरे अमल को अल्लाह के अल्लाह की अल्लाह के रजा के तहत लेकर आए हैं जबकि ये बात गलत है ठीक है किसी भी अमल पर अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया अल्लाह ने लिख दिया है कि इसका अंजाम ये होगा अब ये लिखा हुआ अल्लाह ने बताया नहीं हमें हाँ अमला ने समझ दे दी है अकल दे दी है दोनों रस्ते बता दिए हैं कि ऐसा करोगे तुम्हारा ये होगा ऐसा करोगे तुम्हारा ये अंजाम होगा अब अल्लाह ने अंजाम उसका होना क्या है उसने करना क्या है क्योंकि अल्लाह ताला हर ताना वमा यकून और कई फकाना ये हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है ठीक है किसी भी चीज़ के नमदार होने से पहले वजूद में आने से पहले अल्लाह ताला को चूंकि इलम है अल्लाह ने अपना वो इलम लिख दिया है ठीक है मजबूर नहीं किया वहदीना हूं नजदईन अल्लाह ताला, ताला ने दोनों रस्तों की रहनुमाई कर दी है तो अपने फेले बद पर अल्लाह रबुल्ज़त की मशीयत और अल्लाह ताला की रज़ा को हजत बनाना या तकबीर को हजत बनाना ये बिल्कुल भी काफर वाला अमल है आगे फरमाया कि फिलहाल अल रसुलमी अब अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरी रज़ा थी वो मैंने रसूलों के, मत... के ज़रिए पहुँचा दी है कदालफीन मिन कबल पहले लोगों ने भी इस तरह की बातें की हैं ठीक है लौशालाउमाशरक ना वाला आबाउना माशरकना ठीक है ये इस तरह की बातें भी की हैं अच्छा फरमा फिलहाल रसूल आगे मेरे रसूलों पर सिर्फ पहुंचा देना है यानी मेरी जो रजा वाला अमल है वो मैंने रसूलों के जरिए पहुंचा दिया है अब उस रजा को तुम मेरी मुशीत के साथ मिला मत मिलाओ तुम्हारा अंजाम अल्लाह ने लिख दिया है क्या होना है तुम्हारी हिदायत या तुम्हारी गुमराही अल्ला ने लिख दी है ठीक है होना वही है जो अल्लाह ने लिखा है लेकिन इस पर अल्लाह ने मजबूर नहीं किया के तुम ऐसा ही करो तुम्हें इजाजत नहीं है दूसरा काम करने की ऐसा नहीं है ठीक है जो इंसान को अल्लाह ने पूरा दिया था उस उसियार के मुतालिक अल्लाह ने पहले लिख दिया कि इस इख्तियार इंसान किस तरह इस्तेमाल करेगा ठीक है खिलाफ कोई नहीं कर सकता ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह का इलम कुछ हो और इंसान कुछ कर बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता और अलबत्तः हमने हर रसूल हर उम्मत में भेजा है मबूस किया है किसी और किसी रसूल को अनि अब यह पैगाम लेके अल्ला की इबादत करो वजुता और तागूत से दूर रहोन तागूत से मुराद शैतान है यानी शैतान की इबादत इसकी भी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए उसको ताबूत कहते हैं अगर वो राजी हो अपनी इबादत पर तो उसको ताबूत कहेंगे अगर वो राजी नहीं है अपनी इबादत पर तो फिर उसको ताबूत नहीं कहेंगे हाँ जिसकी पैरवी के अंदर वो अमल किया जा रहा है जिस तरह के शैतान है उसको फिर ताबूत कहेंगे जी अमीन हद्ला तो उनमें से कुछ थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दी अमीन तो और उनमें से कुछ थे जिन पर साबित ठहरी साबित ठहरी वो अपने तरमी पर जारी रहे उन्होंने अल्लाह के रसुलों के पेगाम को पसे पुश डाल दिया तो उनके इस इकदाम की वजह से इस हटदर्मी की वजह से उन पर फिर जलालत साबित हो गई यानी जलालत उन पर लाजिम हो गई ठीक है क्योंकि जिस बंदे ने अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं की तो फिर उसकी गुमराही तो उसका मुकदर है जी बस तुम जमीन में सैर करो और देखो कैसा अंजाम हुआ जुटलाने वालों का हाँ जी एक तो है कि बिलफेल तुम सैर करो ठीक है दूसरा ये हो सकता है कि तुम पहले लोगों की जो किस्से हैं या उनकी जो उनके मुतालिक जो अखबार हैं उनका मुताल करो ठीक है सैर का ये मतलब भी है यानी अपने जैनी सैर या बदनी सैर दोनों तरह हो सकता है यानी उनके इलाकों और उनके ए, उनकी बस्तियों को देखो किस तरह उनका अंजाम किया या ये है कि उनके जो अखबार कुरान पाक ने दी हैं जो सच्ची खबरें दी हैं उनका मुताल करो ये दोनों चीजें आ सकती हैं अगर आप इनकी हिदायत पर हरीस तो जान ले बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता उसे जिसको वो गुमराह कर दे उम्मिन्ना और न ही उनका कोई मददगार है बिल्कुल यानी आप अगर चाहते भी हैं ना के ये हिदायत पा जाए वो जिनके मुतल गुमराही का फैसला हो चुका है फैसला होने अल्लाह ताला ने लिख दिया कि यह गुमराही होगा अगर आप अल्लाह की उस लिखे हुए के खिलाफ हिरस करें उनकी हिदायत का तो ऐसा हो नहीं सकता ठीक है हा, हाँ जिसके मतलब अल्लाह ने लिख दिया कि ये हिदायत पाएगा करना उसने अपना ही है मर्जी यानी जिसने हिदायत पानी है या जिसने बुरा काम करना है उसने करनी है अपनी ही मर्जी है लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो इरादा है से बाहर नहीं आ सकता कदरिया के बाहर नहीं आ सकता जी, शेख शेख जी। इन का जवाब जवाब है है या इसमें कोई पे जी, हाँ जी इनका इसका जवाब है ये फाइन शेखर और उन्होंने कसमे उठाई अपनी पूरी, पूरी पूरी कोशिश करके कसम उठाई अल्लाह की पुख्ता कस्मे पुख्ता कस्मे उठाई लाबास उठाई कस्मे अल्लाह तबर वबूस नहीं करेगा फिर जिंदा नहीं करेगा उसको जो मर जाता है बला क्यों नहीं वन हक्का का अल्लाह पर साबित लाजिम वादा है ना सिलाआम लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं जिस तरह उन्होंने कस्में उठाई थी ना उसी तकीद के साथ अल्लाह ताला ने जवाब दिया है अल्लाह उन्होंने कस्में उठाई हैं इतना यानी उनको कह लें कि यकीन था कि वो कस्मे तक अल्लाह की यानी कितना उनका दिमाग खराब भी था कि वो उसी रब की कुदरत का इनकार कर रहे हैं जिसकी कस्में उठा रहे हैं कसम भी अल्लाह की उठा रहे हैं और फिर इनकार भी उसकी कुदरत का कर रहे हैं कि शायद अल्लाह ताला नाउ बिल्ला दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं हालांकि अल्लाह ताला तो कल्बा कुन से हर चीज़ बनाने वाला है जैसे आगे आगे आ रहा है जब अल्लाह ताला कलम कुन से सारी कायनत तख्लीक करने वाला है तो फिर वो तुम्हारी जैसी छोटी छोटी सी मखलूक को वो दोबारा जिंदा करने पर कादर क्यों नहीं है हालांकि पहली बार बनाना ये मुश्किल होता है अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं लेकिन तुम्हारे लिए पहली बार बनाना मुश्किल होता है लेकिन दोबारा बनाना तुम्हारे लिए एक ही चीज़ को वो मुश्किल नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ये चीज़ ज़्यादा अहवन और आसान है कि वो तुम्हारे दोबारा जिंदगी दे तुम जो कहते हो कि तुम्हारा अल्लाह ताला किसी को भी दोबारा जो मौत के बाद नहीं उठाएगा अल्लाह ताला ने फिर उसी तकीद से भला वाहन यानी वाद अल्लाह वादन आप जानते हैं कि जब मजदर लाया जाए तो और तो महजूफ़ कर दिया जाए तो उस कलाम के अंदर तकीद पैदा हो जाती है ठीक है वदन अलई ही हकन फिर अल्लाह ताला ने इसकी हक्कन को सिफत के तौर पर भी ले आया इसको इसकी वादन हक्कन हाल ही अल्लाह कहा मेरे ऊपर ये लाज़िम है अल्लाह ने वैसे तो कोई लाजिम नहीं कर सकता अल्लाह तला पर लेकिन अल्लाह तला ने तकीद करते हुए इस कसम की का जवाब भी यानी कसम का रद्द करते हुए इसकी जवाब भी उसी तकीद के साथ दिया है कि अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है ऐसा वादा ठीक है यानी अल्लाह ते लाजिम कर लिया है कि अल्लाह तुम्हें जरूर उठाएगा जरूर तुम्हारी जिंदा करेगा तुम्हारे अमाल तुम्हारे सामने रखेगा

उनके करतूतों को उनके ऊपर वाजे कर दे कि ये ये देखो तो तुम ये ये करते रहे करते रहे हो अब तुम्हारे तुम्हें जिस चीज़ में इ्खिलाफ था ना वो तुम्हारे ऊपर वाजे हो रही है कि तुम कहते थे कि ये ना जन्नत है ना जहन्नम है ना हिसाब होगा ना किताब होगा ये सारा कुछ अल्लाह तला फिर उनको वाजे कर करतेमीन कफ़रू और इसलिए भी कि काफिरों को इलम हो जाए कि किन्ना हम कान कादिबिन के वो बहुत झूठे थे यानी दुनिया में वो ये कहते थे ना कि

हमारी बात किसी चीज के लिए जब हम उसका इरादा करते हैं यही होता है कि हम कहते हैं कि हो जा फिर वो हो जाती है यानी अल्लाह तला के जो आ, कलमा कन है अल्लाह तला उसकी उसकी ताकत बता रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है हमने कौन सा कोई उसकी तैयारी पहले करनी है हमने तो सिर्फ कहना कि हो जा अब कुछ तो कहते हैं कि ये वाक़ा अल्लाह तला कन कहता है यानी कन कलमा कहता है तो अल्लाह वो चीज़ हो जाती है कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ अः कह के एक इश्हारा है कि अल्लाह ताला जब चाहता है जैसे चाहता है और सिर्फ उसको उसको कहता ही नहीं है कहना कहना भी ज़रूरी नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का जब इरादा होता है जिस चीज़ का इरादा होता है तो अल्लाह ताला उसको कर कर देता है और वो बगैर किसी चूँ के वो फ़ौर चीज़ हो जाती है कुछ तो कहते हैं कि अल्लाह ताला वाक़ा कलमा कुन कहता है कुछ कहते हैं कि कलमा कुन भी नहीं कहता बल्कि ये सिर्फ एक इसतारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या कह लें कि एक मुबालगे के तौर पर कि अल्लाह ताला तीस चीज़ का इरादा करता है तो उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आती ठीक है तो जिस तरह दुनिया में नहीं हम कहते कि ये तो कह लें कि मेरे यस नो की मार है यानी मैं यस नो कहूंगा तो ये सारा काम हो जाएगा ये तो मेरे दस्खत की मार है तो आ, दोनों माने लिए जा सकते हैं वल्लाह वालो जी आगे कोई सवाल इस वाले से जी और पढ़े तो जी कोई हमारी जो तो, आलो सुनना आलो हदीस के मजहब के मुआफिक मेरे ख्याल में जाहिर को लेना ज्यादा मुनासिब है या नहीं जी ठीक है तवील दोनों सूरत में भी होती नहीं है तवील से तो ये होता है कि अगर हम माने को बदल दें माने को बदल नहीं रहे तो अगर तो हम जाहिर पर जैसे आप फरमा रहे हैं कि कलमा कुन ही मुराद लिया जाए तो फिर ये दुरुस्त है कोई मसला नहीं है मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि दूसरे अगर दूसरों ने जो माना किया है वो माना भी इसके मुआरज तो नहीं है ना जुजी तौर पर तो मुहरज है लेकिन हकीकतन मुआरज नहीं है ये नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह ताला कलमा कुन कह नहीं सकता ये कहा जा रहा है कलमा कुन

जो लोग अल्लाह की अल्लाह की खातिर अपने घर बार को छोड़ते हैं बीवी बच्चों को अगर वो काफिरा हैं उनको छोड़ते हैं अपने इलाके को छोड़ते हैं सबसे बड़ी जहाँ पर इंसान का बचपन गुजरता है जो अल्लाह की रज़ाम है वो आप हदीस जानते ही हैं इन्नाबिनियात मनकान हिजरत हुई व रसूली व हिजरत हुई व रसूली मनकान हिजरत हु दुनिया यूसीबा अभी मराती हैं तज्व आई थी ठीक है ये सही बुखारी तरह की रवायत है सीजना उमर बिन खताब की ठीक है हिजरत के बारे में के हिजरत का सवाब के अल हजरतम काना कबला पहले सारे गुनाहों को वो कफारा बन जाती है तो ये भी है अल अलमहाजर मन हाजरा मान हन असल मुहाजर वो है जो अल्लाह की मनहियात को छोड़ देता है ठीक है अल्लाह के राह में हजरत करना बिम बामा गुल बाद इसके के उस पर जुलम किया गया यानी वहाँ रहना उसके लिए दुशवार हो जाए उस दीन पर अमल करना दुशवार हो जाए उसके बाद अगर कोई अल्लाह के राम में हजरत करता है घरबार को छोड़ता है तो हम उन्हें दुनिया में भी बहुत बेहतरीन पनाह गा देंगे यानी दुनिया में उसके लिए बेहतरीन टिकाना बना देंगे ठीक है ये देखें फिर सिहबा कराम के लिए अल्लाह त्या क्या कितने इलाके उन्होंने फतह किए हैं कितने इलाके फतह किए हैं यानी दुनिया का बेशतर हिस्सा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर फतह कर लिया था ठीक है और ये बेहतरीन ठिकाना है यानी उनको गलबा अल्लाह तला दे देगा जो अल्लाह की राह के अंदर क्योंकि वहां जाकर उनका मकसद एक रियासत कायम करना है ये नहीं कि अपने अपने ही इलाके के अंदर कुफ्रिया मुल्क के अंदर या आ, नीम नीम इस्लामी मुल्क के अंदर रह कर वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए रहे बल्कि वो अपनी एक मुस्तकिल रियासत कायम करते हैं और जिसके अंदर अल्लाह व वकाल रसूल का यानी अमल दरामद होता है और वो फिर जब ये येम लेकर हिजरत करते हैं ना तो अपना इलाका पसाते हैं या रियासत कायम करते हैं वो रियासत फिर ज़ाहिर है उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां होती हैं उस रियासत के जरिए फिर वो दुनिया पर राज करते हैं गलबा पाते हैं ठीक है बस मुसलमानों की जिल्लत की वजह ही ये है कि वो इस रियासत इस्लामिया के क़्याम के अंदर कमज़ोर हैं और रियासत इस्लामिया का क़्याम सही तौर पर हो जाए ना ठीक है उससे पहले उससे पहले रियासत इस्लामिया के क़्याम से पहले जो काम है ना वो है ख़ुद अपना और अपना माशरे को दुरुस्त करना ठीक है बाद लोग सिर्फ़ ये है कि नफाज इस्लाम की बात करते हैं लेकिन वो उस नफाज इस्लाम की खातिर हर एक से कट जोड़ कर लेते हैं यानी एक बदती के साथ एक मशरक़ के साथ वो इतिहाद कर लेते हैं तो ये कोई नफाज इस्लाम नहीं है पहले एक ऐसा जत्था तैयार किया जाए जिनका अकीदा, अमल किताबो सुन्नत के मुआफ़ हो ठीक है वो दस बंदे हों वह सौ बंदा हो वो एक बंदा हो वह बायदा एक जमात है ठीक है उससे अल्लाह अल्ला ताली खैर पैदा करेगा ये जो कह लें कि रियासत कायम करना होती है ना रियासत कायम करना रियासत का क़्याम या जो गलबा होता है वो अल्लाह रबुजत ने देना ये हमारा काम नहीं है गालिब होना हमारा काम नहीं है गालिब होने के लिए उसके जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करना ये हमारा काम है यानी अल्लाह रब्बुल इज़त पर पुख्ता ईमान शरक का रद्द ईद का प्रचार लोगों को दावत लोगों की जेनसाजी सुनत के करीब लाना लोगों को लोगों के अंदर फाशिय और यानी की नफ़ी करना खुद भी उससे बचना लोगों को उससे बचने की दावत देना ये सारे काम करने के बाद जब एक चैन मिल जाती है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्याम करने के अंदर यानी रियासत कायम करने के अंदर तेईस साल लगे हैं याद रखें तेईस साल हम हम तो ये समझते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाके रियासत कायम कर ली थी नहीं रियासत उस वक्त काम हुई क्या उसका क्याम उस वक्त हुआ था जब सही मानों के अंदर जब मक्का फतह हुआ मक्का फतह होने के बाद फिर जब लोग जोंक दर जोक उधर इस्लाम में दाखिल हुए फिर रियासत का क्या हुआ है सलमान ठीक है फिर आप नबी सल्लम ने खतूत लिखे हैं यानी खुलेआम दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि आपने चैलेंज किया है वक्त के बड़े बड़े सुपर पावरों को भाई इस्लाम ले आओ असलम तस्लम ठीक है तो बस ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर भी मैं तुम तुम्हें अच्छा ठिकाना देंगे वाला आज आख़रत अकबर और आखरत कागार आख़रत का आजर बहुत बड़ा है कितना बड़ा है अल्लाह के अल्ला रब केल्खान आज के लोग जान लें अब बागे महाजरीन हैं उनकी सिफत यह है कि दी सबर वालबी में तोल हूँ वो सब्र से काम लेते हैं और अपने रब पर तोल करते हैं ठीक है उनका तो रब पर होता है भरोसा रब पर होता है और वो सब्र से काम लेते हैं यानी अजीतों पर सब्र अल्लाह ताला के अकाम की, की बजाआवरी पर सबर और उसकी मनहियात से इजतनाव करने के ऊपर सबर ये सबर आप जानते हैं ना कई तरह होता है ठीक है अला अकदार्ला ये दो तीन तरह का सबर होता है तो सबर करते हैं और रब पर भरोसा करते हैं उसके अच्छे अंजाम का भरोसा रब पर होता है कि ये हम मैं कर रहा हूँ इसका अंजाम अच्छा होगा यकीनन अपने रब पर वो भरोसा रखते हैं जी इल्ला नहीं भेजे हैं हमने आपसे पहले सिवाय आदमी नूह इलैहिम हम जिनकी तरफ वही करते थे फसअलु अहल जिक्र बस आप अहल जिक्र से सवाल करें इन तुम ला तालमून अगर तुम्हें इल्म नहीं ये जी ये आ, ये आयत दलील है कि जितने भी अम्बिया आए हैं वो सारे बशर थे और नंबर दो के वो मरद थे औरत तो कोई भी नबी नहीं आए बनी ठीक है इस पर इतफाक़ है बाज़ ने बाज़ शाज़ राय के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी लोगों ने कहा है कि वो नबिया थी लकमियब की ये बात दुरुस्त नहीं है ठीक है बाकी इस पर इतफाक है कि सारे रसूल सारे नबी वो मरद थे ठीक है और उनकी तरफ हमने वही की थी अब और दूसरा ये भी साबित हुआ कि वह बशर थे नूर नहीं थे ठीक है बस जिक्र को तुम ला जिक्र वालों से पूछ लो जिक्र वालों से यह मुराद तरात इंजील वाले जिनको किताबें दी गई हैं किताबों वाले जो जिनको किताबों कुरान पाक से पहले जो किताब जिनको दी गई थी ना उनसे जाकर पूछ लो यानी उनकी किताबों के अंदर भी ये किस्त लिखे हुए हैं अम्बिया के ठीक है पहले अम्बिया की बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं वहाँ उनका आ, उनका नबी होना और उनका मर्द होना ये वहाँ मजकूर है तो कुफार कुफार मकाव कहा जा रहा है कि अहल जिक्र से पूछ लो यानी जो यह न सारा हैं जो साहिब किताब हैं अहले किताब हैं उनसे जा पूछ लो इनको तुम अगर तुम्हें नहीं पता ना तो उनको जाकर पूछ लो अगे बिलबिनाती विलबैनती वज़ूबर ये किसके मतलक है ये ठीक है, है या ये पीछे रिजालन, रिजालन हमने तुम आपसे पहले भी मर्द भेजे जिनकी तरह वही करते थे किस्त के साथ भेजे वाज़े वाजल और निशानियों और किताबों के साथ हमने भेजे ठीक है <laughs> और अगर इसको बनाए जिक्री अहल जिक्र से पूछ लो बगीनाती वज़ुबर के वाज दलाइल के साथ और किताबों के साथ यानी वो अहल ज़िक्र किताबों से देख कर या वो दलाइल के साथ आपको रहनुमाई करेंगे उनसे पूछ लो दलाइल के साथ और किताब आ, क्या कहते हैं किताबों के अंदर जो लिखी हुई उनकी जो आसमान से मुनज़र किताबें दोनों ही हो सकते हैं माने कोई मसला नहीं ला ला और हमने आपकी तरफ को किया। है? मुराद यहाँ हदीस है ठीक है हमने आपकी तरफ जिक्र को नाजिल किया नसीहत को नाजिल किया ताकि आप लोगों के लिए वजाहत कर दें ताकि तुबइय ताकि आप लोगों के लिए वाजह कर दें माँ निल्ह उस शेर को जो नाजिल की गई है इलेम उनकी तरफ यानी कुरान पाकुरान पाक की आप वजात कर दें इस ज़िक्र के ज़रिए ठीक है यत, वो यूँ और ताकि वो गौरव खोज करें गौर व फिक्र करें अब ये फिक्र से मुराद कुरान पाक भी है और हदीस भी है ठीक है इन्ना अंजल इन्ना नहनु नज़ल नज़िक इन्ना लहूला फिलूँ जिक्र से मुराद कुरान भी है हदीस भी है ठीक है सन्न कुरानिक्र फाल में मुद्दा यहाँ भी कुरान पाक को नसीहत नसीहत के तौर पर जिक्र से मुराद नसीहत होती है याद दहानी होती है तो वो ए, इस पर बेहतरीन लफ्ज़ बोला जा सकता है न जिक्र से वो है वही वह मतलू भी हो और गैर मतलूब दोनों ही शामिल हैं हदीस भी और कुरान भी यानी कुरान की कुछ आयात कुरान की और तबीर करती हैं और हदीस भी कुरान पाक की तफसीर तबीर करती है ठीक है और ये दोनों एक दूसरे की और तबीर हैं और हदीस का जो दर्जा है नबी अलैहि वसल्लम का अमल कौल आपकी तकरीर वो कुरान पाक का बयान है कुरान पाक की वजाहत है ठीक है इसका ये मतलब है कि अल्लाह ही वो उतारी है वह का जिक्र हमने आपकी तरफ जिक्र उतारा है कुरान भी और भी। तो ये हदीस की बेहतरीन दलील है तो पीछे जो फसल अहल जिक्र से कुछ लोग तकलीद की हुजीत पर दलील बनाते हैं ठीक है ये, ये दलील बातिल है ठीक है न तकलीद क्या है सबसे पहले ये बात समझ लें तकलीद होती है कबूल व कौलिन यू खाली फल युकताबी किताब सुनना कि ऐसे कौल को कबूल करना जो सुन्नत के मुखालिफ है यानी उसका उसका जो मज़मून है सुन्नत की तालीमात के मुआरज़ है उसको कबूल कर लेना ये तकलीर है ठीक है अब अहल ज़िक्र अगर कोई इस वैसे तो यहाँ मुराद हैं अहल किताब लेकिन इस आयद को आम भी समझा गया है कि जो भी मसला पूछना है वो अहले जिक्र से पूछना है जो उस फन के अंदर स्पेशलिस्ट है उससे पूछना है अगर कोई किसी का तिब का मसला है तो वो किसी इंजीनियर से जाके नहीं पूछेगा वो तबीब से पूछेगा अगर किसी का शर्य मसला है तो वो किसी डॉक्टर या इंजीनियर के पास जाके नहीं पूछेगा वो पूछेगा शर्य हुक्म मालूम करना है तो वो किसी आलम किसी मुफ्ती किसी के पास जाएगा किसी उस्ताद और महदिस के पास जाएगा ठीक है ना बल्कि अगर इसको भी आप मजीद फैलाएं ना अगर किसी ने कुरान पाक के मुतल कोई इलम हासिल करना है कोई इसके मतलब पूछना है तो वो मुहदस के पास नहीं जाएगा यानी जिसके पास सिर्फ हदीस का इलम है वो वो सिर्फ उसी के पास जाके पूछेगा कि जो कुरान पाक के इलम में महारत रखता है ठीक है अगर अगर कोई कुरने पाक की तफसीर किसीबी के पास जाके पढ़ना शुरू कर दे तो उसको कोई समझदार नहीं कहेगा ठीक है अहले जिक्र के पास जाना है उनसे जाके मसाइल पूछने हैं यानी फिक्र ही कोई मसला है कोई चीज़ समझ नहीं आती कोई चीज़ इलम नहीं होता तो अहले जिक्र से पूछ ले जा अब इससे तकलीद कैसे साबित हो जाती है ठीक है किसी आलिम से मसला पूछ लेना वो तकलीद नहीं है हाँ मसला आलिम गलत बताए जानते बूझते उसकी बात को मानना पता भी चल गया कि इसने किताब व सुन्नत के मुखालिफ अतवा दिया फिर भी कहना कि नहीं उसने चूंकि फतवा दिया है लिहाजा मैं उसकी बात मानूंगा अब इसको कहते हैं तकलीद ये गलत है ठीक है और बाद ने फिर ये भी कहा है कि बिल कि अहले जिक्र से पूछो दलाइल और किताबों की रोशनी के अंदर किताबों की रोशनी के अंदर बाज कहते हैं कि आलिम भी ये बात करेगा तो किताब सुन्नत के दलाइल के साथ करेगा ठीक है बाहर क्या अगर इसको अहिल के साथ मिलाएं तो ये तकलीद का तो बिल्कुल ही बतलाम हो जाता है बल्कि इस आयत को मेरे पास अभी वो हवाले मुझे याद नहीं है कई एक ने इस आयत से तकलीद के बुतला पर दलील बनाया है ठीक है बस बार क्या इस आयत से फसालू से मुराद तकलीद का रद्द होता है और जो लोग तकलीद का इस यहाँ से इस बात करते हैं उनकी नफ़ी होती है और उनका यहाँ कह लें कि उनकी बात गलत साबित होती है और दूसरी वनजल ना ही का जिक्र इससे हदीस की साबित होती है कि हदीस हजत है सही हदीस हो तो वो हजत है वो क़ुरान पाक के ऊपर इजाफा भी कर सकती है कुरान पाक के बयान की वजाहत भी कर सकती है कुरान पाक की हुक्म को मनसूख भी कर सकती है यानी वो वही होती है ना तो जो के इसका इसका जो मखरज है वो एक ही है मखरज क्या है अल्लाह रबुल्जत के साथ कि अल्लाह से ही ये निकली है वही अल्लाह की तरफ से निकली है तो इसलिए वही मतलूब हो या मतलूब हो या के तकवीत के अंदर तो फर्क हो सकता है कुरने पाक के अंदर एक मसला हो उसके अंदर और एक, एक मसला हदीस के अंदर है तो उसकी हुज, के अंदर दोनों बराबर है दोनों हजत है हाँ उसकी कुत और उसकी अहमियत उसके अंदर इजाफा हो सकता है बाकी हजत होने में वजूब साबत होने में फर्जियत होने में इस्तेबाब इसबाबित होने में दोनों बराबर हैं ठीक है इसकी वजाहत हमने वो जब हमने हदीस पढ़ी थी हदीस उसमें हमने इसकी शजाहत कर दी थी जी आगे कौन पढ़ेंगे जी الرحمن صاحب رضي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افا من الذين مكروا السيئات كبخوف وجهه ولو جنون بوي تدبيرين ان يخسف الله, الله تعالى ان يخسف الله بهم الارض الله تعالى ان او ياتيهم العذاب يوم فرعذاب से से उनको नहीं। नहीं। नहीं जो बुरी के खिलाफ के खिलाफ करते हैं उन्हें इससे बेखौफ नहीं हो जाना चाहिए कि अल्लाह उनको जमीन में दस्ता देगा याद रखें जमीन में दंसाया जाना ये बाग लोग ये कहते हैं कि शक्ल का बिगड़ना और जमीन में दंसाया जाना ये उम्मत महम्दिया से उठा लिया गया ऐसा नहीं है आ, कसप भी हो सकता है मशक़ भी हो सकता है उम्मत मोहम्मदिया के अंदर मशक भी हो सकता है खजब भी हो सकता है और कुर्बे के आमत तो खसब होगा ना ठीक है और मशख भी होगा और वो जो है मुसल्ली के जो नमाजी के आगे से गुजरता है क्या वो इस बात से डरता नहीं है मारन ठीक है ये चीज दलीलें हैं और भी ये खसक भी होगा उम्मत के अंदर और मशक भी हो आ, या, या वहीं से उनके पास अजाब आए कि जहाँ वो उनका शूर भी ना हो यानी वो अपनी मस्ती में हो और आमतौर पे हमारे साथ होता है ना ऐसा कई बार जिंदगी में भी बंदा समझता है कि ये मेरी चीज़ का नुकसान नहीं हो सकता है, एक एक प्लान के तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारा नुकसान नहीं हो सकता लेकिन वो नुकसान हो जाता है बंदा बंदे, बंदे के गुमान में गुमान भी नहीं होता यार इसका तो मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह घर के अंदर अगर किसी के यहाँ कोई मरीज है एक अरसे से वो बीमार है ठीक है यानी गुमान ही होता है कि यार ये किसी भी वक्त जो है वो अल्लाह के पास जा सकता है लेकिन अचानक अचानक कोई और तंदरुस्त आदमी वो अल्लाह के पास चला जाता है तो बंदा कहता है भाई यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता ठीक है तो इनके पास अजाब अल्लाह ताला आ जाए अल्लाह ताला की तरफ से इसके पास अजाज आज आ, ऐसी जगह से आए जहां से उनका शौर भी नहीं शौर भी नहीं रख सकते तो इससे वो बेखौफ ना हो ठीक है यहाँ आफा ये इनकारी इनकारी है जी या, ताकर ताकर उनको चलते फिरते ले। गुजार रहे है अचानक उनको उचक ले और फिर वो को करने नहीं कर नहीं कर सकते ये नहीं हो सकता की अल्लाह पकड़े और वो फिर वो छुड़ा ले ये जो कुफ्रिया किदा है ये कहते का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद मुहम्मद का पकड़ा छुड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता ये कुफरिया कीता है अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको पकड़ लेता है ना उसको फिर कोई छुड़ा नहीं सकता वह है ना اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منكم ये इसकी तबीर है और ये अखुदहुम अला या उनको खौफ में ही आ, पकड़ ले उनको पकड़ ले अला तखव, अल्ला तखबुफिन खौफ जदा करके ठीक है उनको आहिस्ता 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 उनको खौफ दिलाए अल्लाह ताला कि उनके ऊपर अजाब उनको दिखता हो कि मेरे ऊपर अब अजाब आने वाला है या मेरी तबाही होने वाली है तो अल्लाह ताला उसी तबाही के अंदर उसको खौफ दिलाकर खौफ जदा करके अल्लाह ताला उनको एक अचानक पकड़ लेना चलते फिरते उसको वहमो गुमान भी नहीं होता एक है कि उनको खौफ दिला के सामने अजाब दिखा के फिर अल्लाह उनको पकड़ ले ये इससे बेखौफ ना हो यानी ये अल्लाह ने अजाब कई तरह के जिक्र किए तो, एक तो अयिफ़ अल्लाह नंबर एक नंबर दो के अय्यात बिनईसन नंबर तीन अव्या खुद फी तकल्लुबीम नंबर चार है अविया खुद अल्ला तखबिन ये चार तरह के अजाब उनको अल्लाह तलाक कर सकता है ठीक है तो, इन रब्बका ربكم لرؤوف الرحيم بلا شبه مَرَ رب رؤوف الرحيم ہے جی اولم يروا كت... اولم يروا الى ما خلق الله من شيء کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے چیزوں کے سائے بنائے ہیں یا

यहाँ बताया यहां। गया है कि जमीन में हर चीज हर चीज़ रिंगने वाली जो चलने वाली है पाँव पे चलती है। हर चीज़ जो शय है जानदार हो या बेचान हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा करती है फरिश्ते भी सजदा करते हैं अब ये यानी सिखाया जा रहा है कि हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है तो तुम भी इंसानों सजदा किया करो अल्लाह तला को गैर अल्लाह को छोड़ दो ये मुशरिकीन मक्का को खिताब करके अल्लाह तला बता रहे हैं कि हर चीज़ जो अल्लाह को सजदा करती है रिश्ते भी करते हैं सारे करते हैं तकबुर नहीं करते वो तुम भी इस तरह करो ना ठीक है आगे पहले अल्लाह ताला ने बताया है कि हर चीज़ दाएं बाएं होकर अल्लाह के लिए सजदा सजदा करती है अब इसकी कैफियत हकीकत में अल्लाह जानता है ठीक है इस तरह सजदे करती है अल्लाह ने हमें खबर दी है तो हमारा उस पर यकीन है रबाहम वो खौफ रखते हैं रब का अपने रब का मिनफोक अपने ऊपर से यानी अल्लाह अल्ला रबत चूंकि ऊपर है तो वो अपने ऊपर से रब का खौफ रखते हैं वही फ़ालू नमाय मरून और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है ये फ़रिश्तों के बारे में बात हो रही है ठीक है ना वो तहरीम के अंदर भी है ना अलैहा ला व मा वालूनयमरू फ़रिश्तों की ये ख़ूबी है उनकी खसलत और फितरत है कि वो अल्लाह क्या अल्लाह के हुक्म का ख़िलाफ़ नहीं कर सकते ठीक है अल्लाह ताला ने उनको उनके अंदर जो इख्तियार है ना, वो अल्लाह ने उनसे सलब किया हुआ इख्तियार सिर्फ इंसान को दिया है किसी भी शर और ख़ैर को अपनाने का इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया है अच्छा ये खाखूना और बम्फो की अपने ऊपर से ये इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्ज़त की झात ऊपर है अरश पर दूसरी आयात के अंदर अदीस के अंदर और रहमान अलल अरश इस्तवा बेशुमारतवा आयात और मुदीस इस पर दलालत करती हैं कि अल्लाह इज़्ज़त की अर्श पर बुलंद है अर्श के साथ नहीं है या अर्श के ऊपर अर्श के अर्श के ऊपर बैठी या खड़ी या इस तरीके कैफियत नहीं अर्श के ऊपर है कितना ऊपर है इसका भी हमें इलम नहीं है बस कमाई को भी ही वशा शानी ही। जी

मुझे सईदा करती है ठीक है और पीछे अल्लाह ताला ने आ, नफसानी आयत भी बताई हैं आफाकी आयत भी बताई हैं उसके बाद फरमाया है कि तुम अल्लाह को छोड़कर दो इलाना ना बनाओ यानी अल्लाह को इला बनाओ अल्लाह के साथ दूसरा ना बनाओ अब जब दूसरे की नफ़ी है तो फिर तीसरे चौथे की बिलओला नफी है इन्ना इलाहु हुआ ये बड़ी तकीदों के साथ कि अल्लाह एक ही इला है उसका कोई जुज नहीं है ठीक है या या मुझ मुझसे ही खौफ रखो मुझसे ही डरो ये जो खौफ होता है ना खौफ भी एक इबादत है ठीक है दिल में खौफ किसी चीज़ के नुकसान का यानी माफोक इसबाब जो नुकसान का खौफ है वो सिर्फ अल्लाह से रखा जा सकता है फितरती खौफ ये हो सकता है इंसानों का इंसानों से जानवरों से इस तरह खौफनाक और होलनाक मनाजिर से लेकिन जो हकीकत के अंदर खौफ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही है जी यानी ये जो कुफार थे वो ये करते थे कि अगर हमने अपने बुतों के नाम का चढ़ावा ना चढ़ाया तो हमारा मवेशियों को नुकसान हो जाएगा हमारे जानवरों का नुकसान हो जाएगा हमारी अपने बच्चों का नुकसान हो जाएगा हमारे जानों का नुकसान हो जाएगा तो ये जो खौफ था उनको लाहिक रहता था अल्लाह ताला कहते हैं ये खौफ सिर्फ मुझसे रखो और फिर जब बंदा ये खौफ अल्लाह का रखता है तो फिर

मतलब होता है एक मिनट जी उस उसी के लिए हमेशा के लिए दीन हमेशा के लिए इबादत उसी के लिए उसी के लिए हमेशा के लिए दीन दीन, के के उसकी जो दीन, या दीन आप समझते हैं न कि किसी चीज को इख्तियार करना अहकाम मानना और मनहिया से मना हो जाना ये सिर्फ उसी के लिए यानी उसी के हकाम चलेंगे उसी की मनहियात से इजतना बरता जाएगा ठीक है बतौर दीन अगर किसी की बात मानी जाएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल रब्जत के लिए गैर के लिए ये चीज़ नहीं है अफ़ैर अल्लाहून के तुम क्या अल्लाह के लाभ अलाव, अलावा से डरते हो अल्लाह के गैर से डरते हो डरना सिर्फ़ अल्लाह रब्जत से है और उसी की दीन का इतबा करना है जी

मुझे याद है कि एक दफा तो मैं रास्ते में आ रहा था तो एक साथी का एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ और बड़ा बुरा, बुरा एक्सीडेंट हुआ तो उस हालत के अंदर अल्लाह को पुकारने के बजाय नबी वसल्लम को पुकार रहा था ठीक है तो ये कितनी बड़ी जहालत है कि जो मुशरकने मक्का थे उनको तकलीफ़ पहुँचती थी तो वो अल्लाह के हजूर गिर करते थे हाँ जब उनको अल्लाह तला खुलासे देते थे तो फिर वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे इस तरह के सूरत थी यूनुस वगैरह के अंदर इस चीज का अल्लाह ने जिक्र कर दिया है लेकिन इसका मतलब है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर यानी अपनी तकलीफों के अंदर अपनी खुशियों के अंदर अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को पुकारते हैं तो उनका शिरक मुशरकी ने मक्का से भी ज्यादा खतरनाक है जी फिर जब वो

उसके साथ आतः ताकि वो, वो ना शुक्री करें फुरू ताकि ना शुक्री करे बीमा हम उस चीज़ की जो हमने उन्हें दी है उन तमाम नेमतों की ना शुक्री करें यानी कौन सी नेमत जो उनको अल्लाह तकलीफ से शिफा दी है या उनको सेहत दी है या उनकी फर, उनको फराखी दी है इस नियमतों की वो नाशुक्री करें इसलिए वो शिरक करते हैं अपने रफ़ से फतः फसो फतम बस तुम फायदा उठाते रहो

बुत हैं कि जिनको उन्होंने देखा भी नहीं होता बल्कि बस कहानियां हैं, उनके बुजुर्ग पुकारते थे तो वो बुनाते हैं उन हस्तियों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है नसीब रज़क ना हूँ हमारे ही रिजक का एक हिस्सा यानी उनके साथ नजर मानते हैं उनके लिए या उनके तकरब के अंदर वो नजराना पेश करते हैं कुछ भी हो सकता है यानी कोई भी सदका का हिस्सा या जिस तरह असी की

झूठ बांधते हो उनके मतलब यानी यानी झूठ क्या है सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो अल्लाह के साथ जो शिरक करते हैं ये शिरक सबसे बड़ा झूठ है ये ऐसा झूठ है जिस पर अल्लाह ताला ने कोई बुरहान नहीं उतारी ठीक है जो अल्... वो अल्लाह पर जो झूठ जू... बांधते हैं ना कि ये अल्लाह ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है तो अल्लाह फरमाते हैं इससे बता तुमसे बास पुरस होगी जी

बेटे पसंद करते माश्ता हूँ और इनके लिए यानी जो अल्लाह के लिए बेटे बनाते हैं बेटियां बनाते हैं वो अपने लिए वो है जिसे वो पसंद करते हैं यानी अपने लिए बेटे पसंद करते हैं ये आमतौर पर एक माशरती कह लें आप है ना कि बेटों को ज्यादा पसंद किया जाता है बादशरों के अंदर तो अपने लिए कहते थे कि हमारे बेटे हों और अल्लाह के लिए क्या है करते हैं बेटियाँ बनाते हैं अल्लाह तला कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए बनाना ही था शिरक तुमने करना ही था ये कुफर करना ही था तो फिर अल्लाह ताला के लिए बेटे साबित करते हैं हालांकि अल्लाह तला तो इससे भी पाक है बेटियों से भी पाक है बेटों से भी पाक है ठीक है और अल्लाह तलाते हैं इतनी बड़ी कह लें कि खतरनाक बात है कि इससे करीब है कि जमीन शक हो जाए आसमान गिर पड़े अल्लाह तूरत मरियम के अंदर इस चीज़ की वजह की है कि अल्लाह तला के लिए बेटा बनाना इतनी बड़ी खतरनाक बात है ठीक है

वैसे जब किसी को बेटी की मशवरी दी जाती है वल्ला वजहू हो तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है मुस्वदन वाह हुआ कजीम यानी उस बुरी खबर की वजह से और वो वाह हुआ कजीम और वो घुटने लगता है उसके चेहरे पर आ, कहने के इसे वो ना बंदा बिल्कुल निढाल हो जाता है गम से उसका चेहरा उतर जाता है वह हुआ कजीम उसका चेहरा बिल्कुल मान पड़ जाता है ठीक है तो ये एक बुरी आदत थी अरब माशरे के अंदर जो बदकस्मती के साथ हमारे माशरे के अंदर भी आ चुकी है बड़ी तेज़ी के साथ और ये हिंदुस्तान के अंदर जब हमारे बुजुर्ग रहे हैं ना काफरों के साथ तो उनकी वजह से ये आई है असलन काफ़र माशरे के अंदर या पहले दिनों के अंदर और बिलखसूस मशरकिन के जो माशरे के अंदर बेटी को वो मुकाम नहीं दिया जाता था कि जो उसका मुकाम अल्लाह ने रखा है ठीक है औरत को वो मुकाम नहीं मिलता था तो इसलिए हर एक तमन्ना ये करता था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा ही ना हो क्योंकि उसको फिर मुआरे की रसवाई उठानी पड़ेगी और मेरे ऊपर ये बोझ बनेगी तो अल्लाह रबुल्ज़त ने दीन इस्लाम के जरिए औरत को उसका खोया हुआ मुकाम दिया जो हकीकत के अंदर उसका मुकाम था ठीक है तो अल्लाह ताला फिर उस उनके इस बुरी खसलत का जिक्र करें कि जब इन में से किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती है अब ये सुबह अल्लाह अल्ला ये लफ्ज़ बोले ना खुशीरा मतलब है कि बेटी अल्लाह ताला की खुशखबरी होती है तो वजह मुस्फन तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है वह हुआ कदीम मिसाल में कि वो गम भरा होता है चेहरा उसका ठीक है तो यह तबारा मिनल कौमस मिन इमाम तो वो अपनी कौफ से जी

या तो अपने पास रखे या या, या उसको मटी में दबा दे जिस तरह की उनकी बुरी आदत थी बाद की ठीक है आ, भी बिन ठीक है बाद लोग थे उस दौर के अंदर इतने जालिम और जाबिर अपने ही औलाद को अपनी ही बेटी को वो दरगोर कर देते जिंदा दरगोर कर देते थे सिर्फ इसलिए कि रसोई से बचने के लिए या तो वो रसवा रसवाई के बावजूद अपने पास उसको रोकी रखे उस खुशखबरी को यूम सिकू यानी उस खुशखबरी को अपने पास रोकी रखे या फिर उसको ज़मीन में दबा दे अला सामो यह कमोन खबरदार बहुत बुरा है जो वो फैसला करते हैं

तो यहाँ मिसाल बमाना क्योंकि अल्लाह ताला के लिए तो मिसाल मिसाल का मतलब होता है किसी चीज़ के हम मिसल होना तो अल्लाह का तो हम मिसल कोई नहीं है तो मसल अल्लाह ताला के लिए अच्छी आला सिफ़ात है अल्लाह ताला के लिए आला सिफात क्या है सिफत अला ये है कि इंसान उला से बेनियाज हो अल्लाह ताली के लिए ये अली सिफत है ठीक है तो जो आखरत पर ईमान लाते हैं उनके लिए बुरी मिसालें हैं ठीक है वो मोहताज होंगे किसी चीज़ के लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहताजी से पाक है लिहाजा अल्लाह को ना बेटे की ज़रूरत है और ना ही बेटी की जरूरत है अल्लाह ताला के लिए आला सिफात है और काफिरों के लिए बुरी सिफात है ठीक है क्योंकि तो उनका क़्यामत के दिन बहुत बुरा हाल होने वाला है ना क़्यामत के दिन के लिए उनकी बुरी खसलतें हैं बुरी सीखते हैं कभी वो जन्मी होंगे कभी वो अजाब का शिकार होंगे यानी उनको हर तरह की जो बुरी सिफत है ना उसका उसके साथ वो मुतसिफ होंगे और अल्लाह तला के लिए हर तरह की आला सिफात है ठीक है बस यहीं तक काफी यही ये साथी आज क्यों गायब है समझ नहीं आ रही रहीजर भाई तो ये है आइडिया नहीं शेफ़ शेवुक। उस शेफ़ को तो हम में एक लास्ट भाई, 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 भाई आए थे और जनेट भाई भी आए थे लेकिन वो ख़त्म रह गए मोशन भाई और मोज़ भाई आ ही नहीं सके आज अच्छा अच्छा चलो फिर हम लेकिन इहत्याज के अंदर हम जो है ना आज सबक नहीं पढ़ेंगे ये उनको बता दें क्या ख्याल है शायद वो जी, जी? जी? हम करेंगे लेकिन तो तो अगर हम एहत करेंगे तो एहत करेंगे उससे तो मतलब कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा जी शेख साहब चलें फिर हम बरकत के लिए पढ़ लेते हैं असल में ये सबक जो है ना वो बड़ा कह लें कि इस तरह का था कि ये मैं कहता चाहता था कि सारी क्लास हाजिर हो तो पढ़े पढ़ा जाए ठीक है ये अजीब व गरीब सा सबक है और ये किसी और किताब के अंदर नहीं है सही है ये सबक ये सब आप इस तरह करें ना ये सबक अभी रहने दें ये जरा कह लें कि इतना अहम तो नहीं है लेकिन आप ये कह लें कि ये क्योंकि पहले कभी आपने पढ़ा नहीं है इस ये सबक तो ये मुश्किल जरूर होगा इसलिए वो साथी हाज़िर होंगे तो इनशाला फिर हम पढ़ेंगे इस सबक को आप इन, आ, साथियों को जरा आगा कर दें कि कल के सबक में लाजमी हाजिर हों इनशाला जी कोई बात किसी ने करनी है तो कर सकते हैं